हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कैथोड रेज आर मूविंग बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। तो फर्स्ट केस में सपोज करो बच्चों, यहाँ पे आपको मैग्नेट दे रखी है, नॉर्थ और साउथ पोल देख रहे हैं और ये कैथोड रेज जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है वेलोसिटी इंक्रीज होगी रे की या डिक्रीज होगी या डिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड साउथ पोल या फिर रेज डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों आपको पहले तो कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैथोड रेस का मतलब क्या होगा बच्चों, ठीक है। कैथोड रेस का मतलब हो गया हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो किसको मूव कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दे रखा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अपनी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो सपोज करिए बच्चों ये आपको एक नॉर्थ पोल दे रखा है और ये आपको एक साउथ पोल दे रखा है और ये हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, इलेक्ट्रॉन की रेस जा रही है, ठीक है। अब आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, और हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज और लगानी पड़ेगी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए, सेकंड पता होना चाहिए बच्चों आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको देखते हैं बच्चों क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन बताता है हमको ये, ठीक है। कैसे बताता है, तो आपको जो थंब होता है ये बताता है फोर्स की डायरेक्शन, जो फर्स्ट फिंगर होती है बच्चों ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो हमारी सेकेंड फिंगर होती है हमें करंट की डायरेक्शन बताती है, और ध्यान रखना बच्चों ये हमें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन गिवेन है उसके अपोजिट लेना है आपको इस फिंगर को, ठीक है। तब जाके आपके पास करंट प्रॉपर फोर्स की डायरेक्शन निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप, हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है टूवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब आपको अपनी फिंगर किधर लेनी है, इसके अपोजिट लेनी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारी रे जो डिफ्लेक्ट होगी बच्चों वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो व्हेन यू अप्लाइड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं कैथोड रेस किधर मूव करेंगी बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, किधर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके। तो इस वजह से बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ इज द करेक्ट वन, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट बच्चों, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।